रेडियो सिटी 91.1 पर आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मैंने सोचा कि तनाव से दूर करने के लिए, स्ट्रेस से दूर करने के लिए एक ऐसी आवाज़ को आपके सामने पेश करूं जो दुनिया इनको फॉलो करती है. नाम इनका है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर. एंड अपनी विद्या से, अपनी विजडम से, नॉलेज से, क्रिया से इतना चेंज ला पाए दुनिया में दैट आज सुबह यू विल रियली एंजॉय दिस. इतने सारे मैं यूथ से मिलता हूँ, वो सब कुछ बहुत जल्दी जाते हैं सर. मतलब मेरे जो जूनियर्स आते हैं, सर आप में और मुझ में ये जो फासला है, मैं जल्दी कैसे इसको आगे करूं, मुझे इतना वेट नहीं करना है. तो ये जो इम्पेशंस आ गया है, अ लॉट ऑफ दी मेंटल हेल्थ इश्यूज मुझे लगता है, क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट करना है. पहले जिंदगी में लोग बोलते थे अगर एक घर, एक फैमिली और एक गाड़ी आ जाए हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे. अभी सबको करना है कि मैंने अपना पहला घर 25 में ले लिया, 27 में ले लिया. तो गुरुजी इस रेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस रेस की वजह से ही मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू हो चुका है पूरी दुनिया में. साहिल, आजकल पूरे दुनिया में यंग पीपल आर नॉट सो कंज्यूमरिस्टिक इन नेचर. अब लेटेस्ट सर्वे यही आया है, एक जनरेशन पहले की जनरेशन जो एक उतावले होते थे कि चीज़ों को खरीदना, लेना, पोजेस करने का, आज का युवा ऐसा नहीं है. आज के युवाओं में, यूथ में कुछ और क्वेश्चंस हैं, कैसे करें, हाउ टू मेक केयर फॉर द प्लैनेट, इस तरह की बातें आ रही है. आपको, आपने देखा होगा लास्ट ईयर लाखों युवा 15 और 20 साल के बीच के युवा खड़े हो गए यूनाइटेड नेशन के सामने न्यूयॉर्क में और बोले कि क्लाइमेट चेंज के लिए आप क्या कर रहे हो, ये प्लैनेट हमारा है, हम इसका खदर करने वाले, आप लोग इसको स्पॉइल नहीं कर सकते, फॉसिल फ्यूल बंद करो. ये जो आवाज़ जो यंग बच्चों से उठी है, चौंका दिया दुनिया को. इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब हमने मूवमेंट शुरू किया 2008 में, इट वॉज ऑल यंगस्टर्स, 5,000 युवा जंतर मंतर में जुड़ गए. मगर इसका सबसे पहला मीटिंग 2008 मार्च में हुआ था, वो भी यंगस्टर्स के जरिए. आप एम्बिशन रखो, जो भी आप करना चाहते करो, मगर ये इम्पेशंस जो आपने बताया, इम्पेशंस हो जाता है आज ही चाहिए, वो इम्पेशंस का कारण स्ट्रेस है और स्ट्रेस का कारण इम्पेशंस है. इन दोनों को हमें मिटाना हो तो हमें मेडिटेशन करना आवश्यक है. मेडिटेशन और योगा, ब्रीदिंग करने से क्या होगा, हमारा सोच भी एक बड़ा इंट्यूटिव लेवल से होने लगेगी, जो सोचते हैं वो काम फट से होने लगेगा. एक दूसरा, हमारे भीतर एंथुजियाज्म बनी रहती है. जो रेस्टलेस आदमी होता है उनमें एंथुजियाज्म नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होता है. तो युवाओं को मैं ये पूछता हूँ, तुम कैसा व्यक्ति पसंद करते हो? मान लो तुम्हारा दोस्त एक है, एक तो उत्साही है, दूसरा फ्रस्ट्रेटेड है, तनाव से भरा हुआ, तुम किसके साथ शाम बिताना चाहते हो? Obviously, everybody will say, I want to spend time with one who is happy go lucky, right? जो खुशी मसाज के हैं, उनके साथ मैं समय बिताना चाहता हूँ, बोलेंगे. तभी इनके इतने चाहने वाले हैं, इतने साफ सरल शब्दों में, इतनी विद्या के साथ, इतनी सिंपल सी बात समझा दी हमें, जो शायद हम सब ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि हमें वो मार्ग दिख ही नहीं रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव मुझे रेडियो सिटी 91.1 पर ज्वाइन करने के लिए. रेडियो सिटी.